Good morning, my wonderful students of grade 4. Students, today in our SST class, we are going to discuss our second map work that is related to chapter number 5, the Northern Plains, which is the second physical feature of India. So, without further delay, let's get start our map work. Okay, my dear students, so now we are going to fill our second map, that is chapter number 5, the Northern Plains. अब आप कहेंगे कि मैम हम तो फिजिकल फीचर कर रहे हैं, तो हम पॉलिटिकल मैप का क्या यूज है यहाँ पर, राइट? तो बेटा आप फोर्थ क्लास में हैं, अभी छोटी क्लास है आपकी, तो आपको अभी लोकेशंस का इतना परफेक्ट आइडिया नहीं है, तो हम अपनी नॉर्दर्न प्लेन्स को इस पॉलिटिकल मैप में पहले फिल करेंगे, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि हम किस तरह से अपने नॉर्दर्न प्लेन्स को फिल कर सकते हैं, ठीक है? तो जैसा कि मैंने आपको मैप वर्क में पहले भी समझाया है, जब हमने चैप्टर 3 का मैप वर्क किया था, कि आपको स्टेट्स पता होनी चाहिए, नॉर्दर्न प्लेन्स कौन कौन सी स्टेट्स कवर करती हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था, नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो कवर करती है पंजाब। तो देखिए पंजाब कहाँ है हमारा, दिस इज पंजाब, ठीक है? आई एम राइटिंग ओनली द वर्ड, दिस इज पंजाब। उसके बाद क्या कवर करती है, हरियाणा, हरियाणा। उसके बाद और क्या कवर करती है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश ऑल्सो कवर्ड बाय द नॉर्दर्न प्लेन्स, सो इट इज यूपी। उत्तर प्रदेश के बाद कौन सी स्टेट कवर करती है, बिहार, बिहार भी हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स में आता है, सो वी विल राइट हेयर, ठीक है, बिहार बी, ठीक है। और बिहार के बाद हमारा कौन सा एरिया कवर करती है, वो यहां पर हमारा असम, ठीक है, सो असम के लिए आई विल राइट हेयर ए, ठीक है, असम। तो ये वाली स्टेट्स हमारी कवर होती हैं हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स के लिए, ठीक है। अब देखो, अब क्योंकि हमें स्टेट्स का अंदाजा है, तभी हमने इजीली इसमें अपने मार्क कर लिए, तो एक बार और हम देख लेते हैं कौन कौन सी स्टेट्स कवर कर रही है। इट कवर्स पंजाब, ठीक है, पंजाब हेयर, हरियाणा, ठीक है, दिल्ली, यूपी, बिहार, बिहार के बाद कौन सी स्टेट कवर कर रही है, वेस्ट बंगाल ऑल्सो इट कवर्स, ठीक है, तो हेयर वी हैव वेस्ट बंगाल, राइट डाउन वेस्ट बंगाल, डब्ल्यू बी फॉर वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से ऊपर आ जाओ आप, यहां पर इट कवर्स असम ऑल्सो, तो हमने ले लिया असम, ठीक है। तो टोटल हाउ मेनी स्टेट्स, वन इज पंजाब, टू इज हरियाणा, दिल्ली इज इंक्लूडेड देयर, ठीक है, थ्री इज दिल्ली, फोर यूपी, फाइव बिहार, सिक्स वेस्ट बंगाल एंड सेवन असम। तो टोटल सेवन स्टेट्स कवर करती हैं, ठीक है। सो वी कैन से द नॉर्दर्न प्लेन्स आर वास्ट फ्लैट फर्टाइल प्लेन्स दैट कवर्स द मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न टू ईस्टर्न एरिया, ठीक है, एंड इट स्ट्रेचेज फ्रॉम दे स्ट्रेचेज अक्रॉस द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम। अब हम इसे कलरिंग करेंगे, हम कौन सी कलरिंग करेंगे, प्लेन्स हमारे किस कलर के हैं, बताइए, ग्रीन कलर, सो वी विल यूज ग्रीन कलर टू फिल आर नॉर्दर्न प्लेन्स, ओके, सो लेट्स हैव ग्रीन कलर। सो फ्रॉम पंजाब हेयर वी हैव हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ठीक है, और उसके बाद अपना यहां आ गया बिहार, बिहार के बाद ये हमने कलर कर दिया है वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद हमारा ये है असम, ठीक है, और इस तरह से आप अपने नॉर्दर्न प्लेन्स को शो करेंगे, ठीक है। सो नॉर्दर्न प्लेन विच इंक्लूड्स पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, असम, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल, हाउ इजी इट इज, है ना। तो अब देखिए पॉलिटिकल मैप में तो ये बहुत इजी हो गया, क्योंकि हमें सारी स्टेट्स पता थी, बट फिजिकल मैप में इट्स अ बिट डिफिकल्ट फॉर यू,
ठीक है, तो इसलिए आप इसकी जितनी बार हो सके प्रैक्टिस करेंगे, एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स कि क्या क्या लोकेशन है हमारी, ठीक है। और प्रैक्टिस करने के बाद हम इसे अपना कहाँ फिल करेंगे, अपने फिजिकल मैप में फिल करना सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप नॉर्दर्न प्लेन्स इज ऑल्सो क्लियर टू यू। सो डू योर मैप वर्क विद अ गुड हैंड राइटिंग, ठीक है, एंड प्लीज डोंट डू एनी मेस इन योर मैप वर्क। इट मस्ट बी नीट एंड टाइडी। कोई भी बच्चा वैक्स कलर्स और जो आपके ऑयल पेस्टल कलर्स होते हैं वो कलर्स यूज नहीं करेंगे। यू कैन यूज ओनली क्रेयॉन कलर्स और पेंसिल कलर्स, प्लीज, ठीक है। सो डू योर मैप वर्क इन योर मैप। Okay, my dear student, this is up for today's lecture. I hope you all have filled your map with a nice handwriting. So, students, if you want to do your map work perfect, you need to do practice at least 2 to 3 times. ठीक है, आप 2 से 3 बार अपने map work की practice करेंगे so that you will be perfect in your map work. Okay, so we will meet soon with our next video or with our next map work. Till then, take care. Goodbye.